Hello students, good morning. I am Dr. Priyanka and we have completed first chapter of the unit ecology, right? And today we are going to start with the next chapter, that is the 14th chapter, which is called as ecosystem. In this chapter, basically, in the last chapter, we have discussed all the interactions between the organisms, between the nature and the adaptability factor, the carrying capacity and the population growth models. In this chapters, hum log achhi tarah interactions discuss karenge between the abiotic factors and what are the effects of those interactions. ठीक है, हम लोगों ने उसमें बात की कि कैसे कैसे ये techniques evolved हुई mutualism की, commensalism की, फिर कैसे कैसे धीरे 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 factors evolved हो गए हैं abiotic, एक way में, दो way में, तीन way में. हम लोगों ने उनके factors के बारे में पढ़ा था कि temperature है, light है, ठीक है, water है, ठीक है, क्या क्या soil है, कौन से abiotic factors हैं जो कि इनकी growth को responsible करते हैं. अभी हम लोग ecosystem में बात करेंगे इन important abiotic and biotic factors के interactions के within the food chains involved, right? So chapter 14th, that is ecosystem, right? इसमें हम लोग सबसे पहले important terms देख लेते हैं जो कि important है, 2 marks में आ सकती हैं. important terms तो सबसे पहले है biogeochemical cycle, जिसको आप nutrient cycle भी बोल सकते हैं. अगर क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन या डिस्क्राइब बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो न्यूट्रिएंट साइकिल ही डिफाइन करनी है. तो आप इसमें लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स to various components abiotic or biotic components include hain isme of an ecosystem is called nutrient or biogeo केमिकल साइकिल. अभी हम लोग बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल की. तो सबसे पहले हम लोग बच्चे बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमारे न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. अभी जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, जैसे आपका कार्बन हो गया, जैसे आपका बहुत सारी सल्फर हो गया, आपके सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स हो गए. अगर सॉइल्स में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो तो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे. अगर कार्बन नेचर में नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो या ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, या हम लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसमें आपने हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी में, राइट? तो अभी हम लोगों का क्या करते हैं, उन सारे साइकिल्स की हम लोग एक डेफिनेट टर्म में लेके आते हैं. ठीक है, अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ द न्यूट्रिएंट्स जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में एक बार यूज हुए और दोबारा एनवायरमेंट के पास वापस चले गए और वो वापस एनवायरमेंट से लिए गए थ्रू सम ऑफ द एजेंट्स, उनको वापस यूटिलाइजेशन किया गया, उनको वापस एनवायरमेंट में नेचर को वापस दे दिया गया ताकि उनकी रिसाइकलिंग होती रही, ताकि उनका जो बैलेंस है, उनकी कमी है, वो कमी ना हो. ठीक है, सो उसको कह देते हैं बायोजियो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन होना चाहिए सॉइल में, फास्फोरस होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, गुड अमाउंट में सल्फर होना चाहिए, सो दैट द प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स आर वेल मेंटेन्ड, राइट? तो एक इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है कि अब बात करते हैं हम लोग एक बात करते हैं कि सल्फर का क्या इम्पोर्टेंट है. सल्फर इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रिएंट, कि उसका ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है,
इस न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो बच्चे अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर में मैं अगर थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करूं इन ज्योग्राफिकल रेशियो, अब जैसे अनियन है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अनियन, कुछ लोग अनियंस गार्लिक नहीं खाते हैं, राइट, क्यों नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये एक तरह से मतलब कभी भी कोई फास्ट होता है तो कुछ लोग अगर जो प्योर वेजिटेरियन आप जगहों पे जाएंगे तो वो अनियन या कभी भी कोई पूजा वगैरह होती है, नवरात्रा होता है या कोई भी फेस्टिवल स्ट्राइक टाइप होते हैं ऐसे हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे अनियन गार्लिक नहीं खाया। कभी जानने की कोशिश की कि अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाया जाता, भाई वो तो प्लांट्स हैं, राइट, तो उनको क्यों नहीं खाया जाता? बिकॉज बेटे ऐसा हुआ था कि अनियन गार्लिक जो हम, ठीक है, बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अनियन और गार्लिक हम लोगों के जमीन और प्लांट ही हैं एक टाइप के, लेकिन अर्लियर गार्लिक के बनने के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए था सॉइल में वो था सल्फर, ठीक है, और हमारे सॉइल में शुरू शुरू में सल्फर नहीं हुआ करता था, और सल्फर कभी भी एक ऑर्गेनिक चीज के डीकम्पोजिशन से आता है, कभी भी सल्फर वैसे ही नहीं, हम लोगों का वैसे ही एनवायरमेंट में नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोगों का नाइट्रोजन हो गया अमोनिया की फॉर्म में होता है, आपने नाइट्रोफिकेशन का प्रोसेस किया था ना प्लांट फिजियोलॉजी में लास्ट ईयर, ऐसे ही हम लोगों का कभी भी सॉइल में सल्फर ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या रीजन है इस चीज का कि सबसे पहले सॉइल में सल्फर कहां से आया? बात थी कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक चीज के डीकम्पोजिशन के बिना सल्फर नहीं होता। तो सबसे पहले जब अनियन ग्रो हुआ था तो वो कैसे हुआ था? वो हुआ था सल्फर की वजह से। अब वो सल्फर सॉइल में कैसे आया था? क्योंकि जिस जगह सबसे पहले सल्फर ग्रो हुआ था उसके साथ में या उस सॉइल के यू कैन से साथ में एक मॉर्टल होगा या मोटेज होगा, ठीक है, आप कह दो शमशान घाट होगा, वहां पे बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज का डिकम्पोजिशन चल रहा था, जिसकी वजह से वो जब डिकम्पोज हो रही थी तब जो सॉइल में सल्फर आ रहा था उस सल्फर की वजह से अनियन गार्लिक प्रोड्यूस हुए थे, जिसकी वजह से मे बी वन ऑफ द रीजन कि अनियन गार्लिक नहीं खाया जाता या कंज्यूम किया जाता। सो दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, बायोमास रेफर्स टू द ऑर्गेनिक मैटर नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसमें हम लोग बात करते हैं द स्टेबल एंड फाइनल बायोटिक कम्युनिटी that develop at the end of ecological succession and is in perfect harmony with its physical environment of ecological succession, right? या इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन को अगर ना भी इंक्लूड करो विद फिजिकल इज कॉल सो या इट्स कॉल सो द क्लाइमेक्स कम्युनिटी राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं डेट्रिटिवोर्स
organisms which survive on the detritus and break it down into small particles. Also, next आ जाते हैं ecological pyramids. The sequential graphical representation, the sequential graphical representation of an ecological parameter number, biomass, energy, depicting different trophic levels in food chain. Right? Next हम लोग बात कर सकते हैं ecosystem. Functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding and environment. Ecosystem services. The product obtained after ecosystem processes are called ecosystem services. Next, agar baat karun food chain. The unidirectional representation of energy or of transfer of food or energy through connected organisms with repeated stages of eating and being eaten. नेक्स्ट आ जाता है फूड वेब. द इंटरकनेक्टेड फूड चेन. राइट, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट food web.
नेक्स्ट आ जाता है पाइनियर स्पीशीज. स्पीशीज दैट इन वेट बेयर एरियाज एट द ऑनसेट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर produced per unit time is called so. ठीक है, per unit time यहां पे लिख लो by photosynthesis by plants. through photosynthesis. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की. रेफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. इट्स यूनिट इज ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की. इसमें आ जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय consumers by consumers resulting in a climax community is called no it is not called okay by consumers. okay नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरीज. द एंटायर सीक्वेंसेस दैट सक्सेसिवली चेंज एट चेंज इन अ गिवन टाइम or you can say in a given area resulting in a climax community is called a series, is called so. next agar baat karun to स्टैंडिंग क्रॉप. द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स एट गिवन टाइम ऑफ इकोसिस्टम. नेक्स्ट बात करूं स्टैंडिंग स्टेज. द अमाउंट ऑफ
वेरियस मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉयल एट गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम. स्ट्रैटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम. लास्ट ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. राइट, तो स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द चैप्टर. एंड इन दिस चैप्टर वी आर यूजिंग ऑल दीज डेफिनेशंस. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये डेफिनेशंस यूज करेंगे. एक बार लुकअप कर लेते हैं. वैसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली इन टॉपिक्स इन डेफिनेशन से मिले, यू आर नोन टू इट. हम लोगों ने न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर ली थी, बायोमास की हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात की थी. क्लाइमेक्स केमिस्ट्री कम्युनिटी की बात करते हैं बच्चे. एक चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स गए तो बहुत सारी न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई. अल्टीमेटली जो स्पीशीज इवॉल्व हुई वो हुई ह्यूमन. जो मोस्ट एवोल्यूटेड स्पीशीज की बात की हम लोगों ने एनिमल्स में, और अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो वो एंजियोस्पर्म्स की बात हुई. ठीक है, तो उनको हम लोगों ने कह दिया. अभी हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी है. दैट आफ्टर द चेंज इन अ गिवन एरिया द लास्ट कम्युनिटी विच इज द मोस्ट इवॉल्व कम्युनिटी एंड इज सर्वाइविंग. ठीक है, उनको कह देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, द अल्टीमेट कम्युनिटी. ठीक है, एट द स्टेबल इन द फाइनल बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप एट द एंड ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इज परफेक्ट हार्मोनी विद इट्स फिजिकल एनवायरमेंट. ऑल्दो वी आर नॉट इन द परफेक्ट हार्मोनी विद द फिजिकल एनवायरमेंट टूडे, बट इन सम टाइम्स योर सम ईयर्स बैक येस वी आर. अब जब तक नेचर हम लोगों को टॉलरेट कर पाएगी, नहीं टॉलरेट कर पाई तो हम लोगों का डायनासोर जैसा एक्सटिंक्शन हो जाएगा. हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिट्रीबोर्स की. ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन द स्मॉल डिट्रोबस. डिट्रोबस मतलब है ऑर्गेनिक डेड मेटो. छोटे छोटे एनिमल्स डेड हो गए उन पे सर्वाइव करना, उनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके वापस से सॉइल में नहीं तो एनवायरमेंट में उनको देना. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिट्रोबस, उनसे अपना फूड लेना और सर्वाइवल करना. नेक्स्ट की बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर्स. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स द सिक्वेंशियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर. राइट की एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कंज्यूम दूसरा कर रहा है. दैट मीन्स एनर्जी बायोमास और फूड का डिपिक्ट करना इन अ ज्योग्राफिकल पैटर्न. कितना है कितना कम हो गया इन अ गिवन फूड चेन, उसको कह देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप से तो इंट्रैक्शंस रखते हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट में पॉपुलेशंस के विद इन इंट्रैक्शंस को डिटेल में पढ़े, इस चैप्टर में हम लोग विद इन द सराउंडिंग्स एंड द फिजिकल एनवायरमेंट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेस. अभी जो भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं एज बींग एज अ डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ टू अ कम्युनिटी. अभी मुझे कॉबलर है, बार्बर है,
या नर्स है या कोई भी है, वो मुझे इक्वल, इंजीनियर है वो मुझे इक्वल अमाउंट में मेरे को एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि उसकी नॉलेज मुझे नहीं है, मेरी 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 जो नॉलेज है वो उनको नहीं है. सो उनके जो प्रोडक्ट को हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन फंक्शनल यूनिट, उसको कह देते हैं इको सिस्टम सर्विसेस. ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड आफ्टर एन इको सिस्टम प्रोसेसेस, लाइक अगर जिटरीबॉस ने स्मॉल पार्टिकल्स को तोड़ा है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा है एक डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर को, और वो सॉयल वो जो प्रोडक्ट्स जो स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के दोबारा से इकोसिस्टम में डाला है, तो वो हम ही यूटिलाइज करने वाले हैं इन अ गिवन वे, राइट. ऐसे ही फूड चेन की बात कर देते हैं. दैट इज द, हम लोग इसको एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में दिखाते हैं फूड चेन को, कि फूड के अंदर जो एनर्जी है नेचर से उसका ट्रांसफर हो रहा है इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इन अ सिक्वेंशियल कनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स एट द रिपीटेड स्टेजेस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और फिर उसको कोई और खा रहा है, तो ईटिंग एंड बींग ईटन स्टेजेस, रिपीटेड बींग ईटन एंड ईटिंग स्टेजेस, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टर्म पे, फूड वेब. बहुत सारे इकोसिस्टम जब इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और इंटरकनेक्टेड वे में एनर्जी का फ्लो चलता है, तो आप उसको फूड वेब कह देते हैं. पायनियर स्पीशीज की बात करूं, एक बैरन या बेयर एरिया को मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एरिया जहां पे सर्वाइव करना बेहद मुश्किल ही नामुमकिन होता है, बट उस जगह पे भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको कह देते हैं पायनियर स्पीशीज. पायनियर का मतलब होता है बहुत टैलेंटेड स्पीशीज है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बुल्ट स्पीशीज है. ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम और पर ईयर. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में कितना बायोमास जनरेट हुआ. ठीक है, पर ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो जैसे एक इंडस्ट्री है, हम एक इंडस्ट्री की हम लोगों ने अगर देखना है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि मंथली प्रोडक्टिविटी और कि ईयरली प्रोडक्टिविटी, एनुअल प्रोडक्टिविटी, तो उससे हम लोग पता लगा देते हैं कि व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी और द इंडस्ट्री. सो इन दिस वे हम लोग पता लगा रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, राइट. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या क्या मतलब होता है, जो पर यूनिट टाइम के हिसाब से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम लोगों के प्लांट्स ही हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आप उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहोगे. प्रोडक्टिविटी मैंने अभी जस्ट डिफाइन कर दिया. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू कंज्यूमर्स या बाय कंज्यूमर, ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, सो आप उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देंगे. ठीक है, सीरीज की बात करूं, तो द एंटायर सीक्वेंसेज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया रिजल्टिंग द क्लाइमेटिक कैविटी. सीरीज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी ये एरिया ऐसा था, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया, उसमें कोई और स्पीशीज इवॉल्व हो गई, कोई और स्पीशीज रहने लग गई, तो एक सीक्वेंशियल स्टेप में हो रहा है कि सबसे पहले उसको खत्म किया होगा, फिर न्यू स्पीशीज का सक्सेशन आया होगा, फिर अल्टीमेटली इवॉल्व इवोल्यूशन हुई होगी और अल्टीमेटली फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी होगी. तो इस सीक्वेंशियल प्रोसीजर और स्टेप्स को कह देते हैं सीरीज, राइट. स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट टाइम बायोमास कितना प्रेजेंट है एट एवरी पिरामिड के ट्रॉफिक लेवल पे ऑफ इकोसिस्टम एट अ गिवन टाइम, आप उसको कह देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग स्टेज कह देते हैं कि कितने एट द करंट टाइम पे कितना मिनरल एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इन अ गिवन टाइम ऑफ सॉइल, तो उसको कह देते हैं स्टैंडिंग. स्ट्रैटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल्स इन इकोसिस्टम. अभी दैट मींस कि एक ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में रोल प्ले कर रहा है, वो दूसरे में भी रोल कर रहा है, दैट मे बी डिफरेंट कि वो दूसरा रोल प्ले कर रहा हो और एक उसमें दूसरा रोल प्ले कर रहा हो, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग कह देते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन, और थोड़ा और ब्रॉडर व्यू में उसको स्ट्रैटिफाई किया है आपने. ठीक है,
स्ट्रॉफिक लेवल वही है कि किस पोजीशन पे, एक स्पेसिफिक पोजीशन दे रखी है एक ऑर्गेनिज्म को कि वो किस रीजन में अपना डिस्ट्रीब्यूशन या अपने प्लेस पे है. ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स. नाउ लेट अस डिस्कस इकोसिस्टम इन ब्रीफ. दैट इज, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग themselves and also with close surrounding environment. Value based question में आ सकता है ये. ठीक है, many ecologists consider entire biosphere a global ecosystem as a composite of all local system ऑन अर्थ. अभी इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज. Terrestrial terrestrial aquatic forest, grasslands, deserts. इसमें फ्रेश वाटर, salty water ecosystem. इसमें आ जाते हैं ponds, lakes, streams, wetlands, rivers. Estuaries, oceans. Okay, so these are the example in the classification of ecosystem. So this is terrestrial, this is aquatic. तो इसमें आपका forest आ गया, grassland आ गया और desert आ गया. अभी aquatic में आपने दो की बात कर ली, एक fresh water ecosystem, एक salty water ecosystem. अभी fresh water ecosystem में एक आपका ponds आ गया, lakes आ गया, streams आ गया, wetlands आ गया, rivers आ गया और एक आपका estuaries and oceans आ गया. ठीक है, अभी इसमें man, इसको थोड़ा broader view में ले लीजिए,
मैन मेड इकोसिस्टम्स भी हैं, जैसे क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ गया, ये आपका इसमें आ गया, दो मैन मेड के एग्जांपल्स आ गए। क्वेश्चन दो ना, एक नंबर में पूछ लेता है कि राइट द टू मैन मेड, दो मैन मेड के एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, क्लास टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक का। अभी हम लोग इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इस कॉम्पोनेंट्स में दो कॉम्पोनेंट्स हम लोगों को पता है, एक है बायोटिक कॉम्पोनेंट, एक है एबायोटिक कॉम्पोनेंट। अभी बायोटिक कॉम्पोनेंट है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से, और यू कैन से लिविंग कॉम्पोनेंट। इसमें आप ले लोगे फिजिकल एनवायरमेंट, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट में आप फिजिकल एनवायरमेंट ले लोगे। अब अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूंगी तो बायोटिक कंपोनेंट विल बी फर्दर क्लासिफाइड और यू कैन से डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, एंड फिजिकल एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू मेनी स्टेजेस। सो लेट इट बी इन डिफरेंट कलर। पहला आ जाता है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा आ जाता है आपका कंज्यूमर, तीसरा आ जाता है आपका डीकंपोजर। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके एक आ गया सॉइल, जिसमें आपके मिनरल एलिमेंट्स हैं, एक आपका वाटर, एक आपका आ गया टेम्परेचर, एक आपका आ गया सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब हम लोग जरा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे तीन को, इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो इसमें मैं दोबारा ऐड कर लेती हूं कि दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज कंज्यूमर, दिस इज डिकम्पोजर। इसमें सबसे पहले अगर मैं प्रोड्यूसर को बोलूं, सो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रोफ। ठीक है, कंज्यूमर एग्जांपल्स एनिमल्स विच आर, ठीक है, और डीकम्पोजर्स को मोनली माइक्रोब्स की कैटेगरी में लिया जाता है या डिट्रोवर्स, राइट। सो इसमें अगर मैं इनकी बात करूं तो एग्जांपल फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्ट, एल्गी, ग्रीन प्लांट्स। इसमें आप लोगों के आ जाते हैं मैनी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। अब इनके एग्जाम्पल्स लिख देंगे हम लोग, इनके एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हर्बीवोर प्राइमरी का। ठीक है, इसका अगर मैं बोल दूं तो कार्निवोर, ठीक है, इसका भी कार्निवोर।
ठीक है, उसका माइक्रोब्स हो गया. और इसमें एक और फैक्टर मेंशन कर लो, एयर, राइट, क्योंकि एयर इज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब हम लोगों ने अगर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करी, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया कि इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट एंड दिस होल एंड मेनी ऑफ द लोकल इकोसिस्टम्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ बायोस्फेयर, विच अ बायोस्फेयर विल बी कंसिडर्ड एज अ बिग ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर अस, राइट. कि हम लोग छोटे 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 इकोसिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके एक बायोस्फेयर बना रहे हैं. अभी उस बायोस्फेयर में बहुत सारे इंटरेक्शंस आ रहे हैं जिसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो फिजिकल वर्ल्ड, एक तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड. ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हम लोग लिविंग कंपोनेंट डालते हैं और फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट डालते हैं, विच इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट. अभी वो सारे कंपोनेंट क्या आ जाए, पहाड़, नदी, पानी, एयर, ठीक है, उसमें हम लोग और डाल सकते हैं टेम्परेचर, उसमें सोलर रेडिएशन. फॉर एग्जांपल हम टुंड्रा रीजन पे जा रहे हैं, माउंटेन रीजन पे जा रहे हैं, तो वहां पे एक अलग इकोसिस्टम है. अभी दिल्ली जैसे पहाड़, दिल्ली में तो पहाड़ है नहीं, बट अगर मैं माउंटेन जा रही हूँ, अगर माउंटेनियरिंग रीजन पे जा रही हूँ, तो वहां पे मुझे एक अलग इकोसिस्टम टाइप मिलेगा. वहां का सोलर रेडिएशन अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, सॉइल अलग होगा, मिनरल एलिमेंट का प्रेशर अलग होगा. सो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर, ठीक है. तो अगर मैं इसको एक एक वे में बोलूं, तो द इंटरैक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, द इंटरैक्शंस ऑफ फिजिकल एंड लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड इज कैरेक्टराइजेशनल फिनोमिना ऑफ अ बिग इकोसिस्टम, ठीक है. तो अगर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उसमें मशीन भी है, मजदूर भी हैं, मशीन ना मजदूर चला रहे हैं ना चल रही है, और मजदूर ऐसे कैसे बैठे हैं, तो क्या कोई इंटरेक्शंस हो रही है, क्या कोई लेवल ऑफ इंटरेक्शंस हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो एक इकोसिस्टम नहीं बनेगा. इकोसिस्टम तब बनेगा जब दोनों कंपोनेंट हो और उनमें इक्वल इंटरेक्शंस हो, यूटिलाइजेशन हो, ठीक है. यूटिलाइजेशन होंगी तभी एक इकोसिस्टम का लेवल मेंटेन होगा, द बैलेंस विल बी मेंटेन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, द डिफरेंट पॉपुलेशन एंड विद द एबायोटिक फैक्टर टू, ठीक है. तो उस फंक्शनल यूनिट को, फंक्शनल होनी चाहिए, दैट मीन्स वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, दैट मीन्स द इंटरेक्शंस आर देयर, राइट. ना कोई एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए, ना क्लाइमेटिक कंडीशन, ना कोई प्रॉक्सिमिटीज होनी चाहिए. उससे क्या होगा, एक इंटरेक्टिंग माहौल, एक इंटरेक्टिंग सराउंडिंग जिसको आप इकोसिस्टम कंसिडर कर रहे हो वो कर पाओगे, राइट. अभी एक चीज हम लोग बात करेंगे कि द टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, इंटरैक्शंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट. और दूसरा जो एनसीईआरटी बता रही है वो बता रही है स्पीशियस, या आप इसको एक तरह से स्पीशियस कंपोजिशन, ठीक है. और इसके इसको इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो स्ट्रैटिफिकेशन, राइट. इसकी जगह आप लोग स्ट्रैटिफिकेशन लिख सकते हो, राइट. अभी अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, तो फंक्शंस, मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो,
न्यूट्रिएंट साइकिल या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है, द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम आर. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम की. ठीक है, पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम. अगर मेरे को एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझना है तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रही हूं इकोसिस्टम का, विच इज अ पॉन्ड. ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का सिंपलेस्ट एग्जांपल है पॉन्ड. तो उसमें अ पॉन्ड इज शेलो वॉटर बॉडी इन विच ऑल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट फॉर इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक वर्ल्ड. राइट, फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक इंक्लूड्स ऑल डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल डिपॉजिट्स at bottom, living fishes हो गई और organism aquatic animals हो गए. ठीक है, इसमें आप solar input डाल लो, इसमें आप temperature of pond डाल लो. ठीक है, इसमें आप dissolved वाटर मिनरल्स डाल लो. अब इसमें देखोगे द प्रोड्यूसर कॉम्पोनेंट, द प्रोड्यूसर कॉम्पोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी and the floating organisms submerged plants also included. Consumers zooplankton free swimming organisms and bottom dwelling organisms. Okay, अब the system, this system performs in a manner like. अच्छा, इसमें डिकम्पोजर्स भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो आप डिकम्पोजर्स लिख सकते हैं, बैक्टीरिया फंजाई. राइट, फंजाई बैक्टीरिया फ्लैजेलेट्स. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, conversion of inorganic matter into organic matter with the help of
एबायोटिक फैक्टर्स, रेडिएंट एनर्जी यू कैन से, इसमें यहां पे रेडिएंट एनर्जी सोलर एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, बाय ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कह दूंगी। देखा ना कि CO2 प्लस H2O का यूज करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है, और O2 कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स decomposition and mineralization of dead matter to release nutrients back for reuse by autotrophs। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स the higher trophic level from lower trophic level, right? तो अब क्या करा है हम लोगों ने, हम लोगों ने एक पॉन्ड का, मतलब अगर मेरे को इकोसिस्टम का फंक्शनिंग समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई समझाओ कि पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम आपको कैसे लगता है कि वो एक एज ए इकोसिस्टम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप उसके उसमें ए बायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए, उसमें बायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए। तो एक पॉन्ड में आपने बता दिया कि इट्स शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम विच आर मैंडेटरी टू बी प्रेजेंट आर प्रेजेंट। सो उनके बीच का इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ए बायोटिक वर्ल्ड, अभी फॉर एग्जाम्पल आपने नाम दे दिया ए बायोटिक का, तो सबसे पहले दे दिया वॉटर, ठीक है, वॉटर में डिजोल्व इन ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स वगैरह, ठीक है, ऐसे ही सॉयल डिपॉजिट्स जो कि शैलो लेक के नीचे सॉयल के डिपॉजिट्स रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी टेम्परेचर, पॉन्ड में अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा तो लिविंग कॉम्पोनेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, सो टेम्परेचर विल बी मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सोलर एनर्जी, क्योंकि जो सोलर हीट अंडर एंटर कर रही है एक पॉन्ड में वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरा इसका लिविंग कंपोनेंट कौन से हो गए, कौन बहुत सारे हो गए, अब इसमें प्लांट्स भी मौजूद है, इसमें आपके फिशेस भी मौजूद है, ठीक है, इसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स भी मौजूद है, इसमें आपके जू प्लैंक्टन, दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड दैट आर द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अभी दूसरी बात आ जाती है, अभी उसमें एक और कॉम्पोनेंट हम लोगों के प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स कौन से हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स, ठीक है, जो कि डीकम्पोज का काम करते हैं। अभी सबसे पहले इसका सिस्टम ऑफ फंक्शन क्या है, कि सबसे पहले डीकम्पोजर्स कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर या डीकम्पोजर्स या ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर टू द ऑर्गेनिक मैटर करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, CO2 प्लस H2O लेके ग्लूकोज बना रहे हैं बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर टू द ऑर्गेनिक मैटर। अभी क्या करेंगे, कुछ हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेज। फिर क्या करेंगे, डीकम्पोजर्स अपना काम करेंगे कि अभी जो लेफ्ट ओवर्स बचे हुए हैं डेड मैटर के, उनके न्यूट्रिएंट्स को दोबारा
दैट मीन्स जो भी डेड मैटर बचा हुआ है उनके डेड मैटर्स को दे आर रीयूजिंग दैट थिंग. रीयूजिंग दैट थिंग का मतलब है वो जितने भी मिनरल्स वाटर जितने भी हैं दे आर रीयूटिलाइजिंग द मिनरल्स एंड बैक फॉर द यूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स. जो भी ऑटोट्रॉफ्स को दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर करने के लिए यूज है उनको दोबारा से ऑटोट्रॉफ्स में मेंटेन करेंगे. लास्ट स्टेप ऑफ द कॉम्पोनेंट, लास्ट स्टेप ऑफ द इकोसिस्टम क्या है कि डीकम्पोजिशन के बाद आप लोग इसमें ये देखेंगे कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है विच टेक्स प्लेस, जो कि नीचे लेवल से दैट मीन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द बायोमास इज देयर टू मेंटेन द स्टेबल इंटरैक्शन ऑफ अ सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट. दैट्स वाई एन पॉन्ड इज डेफिनेटली एन इकोसिस्टम जो कि एज एन इंट्रैक्शन जितनी भी हो रही है वो एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर रही है और स्टेबल तरीके से बैलेंस तरीके से हो रही है. एंड द यूज जैसे कह देते हैं ना कि इंटरैक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, राइट, इंटरैक्शंस ऑफ एनवायरमेंट जो आगे की तरफ हो रही है पीछे की तरफ हो रही है या जितनी भी इंटरैक्शंस इन टर्म्स ऑफ हो रही है वो एक स्टेबल एप्टीट्यूड से हो रही है. अगर बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट बट टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लिविंग फैक्टर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा या डिकम्पोजर्स मिनरल्स ही नहीं न्यूट्रिएंट कर पा रहे हैं तो वो आप इकोसिस्टम नहीं काउंट करोगे, उसकी काउंटेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा. क्योंकि एक इकोसिस्टम के लिए एक नेसेसरी मेंबर्स चाहिए जिसमें दोनों ही कंपोनेंट के फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंडेटरी फैक्टर्स है. अगर एक कम भी हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा दैट विल नॉट बी नेसेसरी, फिर वो हो ही नहीं पाएगा. सो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी के फ्लो मेंटेन करने के लिए देयर हैव टू बी अ मैंडेटरी टर्म जिसमें एक इकोसिस्टम एक इंटरैक्शन वे में काम आए, राइट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एज अ पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम. मेनी मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाउ अ पॉन्ड इवॉल्व एज एन इकोसिस्टम इन अ गिवन कंडीशन. ठीक है, एक गिवन कंडीशन में कैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम में इवॉल्व हुआ है. ठीक है, in the next session we are left, we have covered the major topic and the ecosystem classification. In the next topic we have start we will going to start with the productivity and the food chain, right. So here you have to revise the process called stratification, which is very mandatory, right, and all the classification terms of an ecosystem plus including the important definition of the chapter, right. So keep revising, all the best, good luck.